हेलो डियर एकेडमिक बूस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द एकेडमिक बूस्ट यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आने वाला जो जेई मेन एग्जाम है उसमें कुछ ऐसे हैक्स हम यूज करें, एंड व्हेन आई से हैक्स इट मींस कि इनमें आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा ड्रेस्टिकली चेंज हो जाए। तो आप 30-40 प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे अगर आपने इन तीनों चारों बातों का ध्यान रखा। एंड तक अवश्य देखना, दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर जेई प्रिपरेशन टिल नाउ। ओके, तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की वीडियो तुम्हें और मिलती रहे। ऑल्सो अगर अभी तक तुमने हमारे जेई 2022 क्रैश कोर्सेज ज्वाइन नहीं करे हैं, हरी अप, आपके लिए हम डिस्काउंट लेके आए हैं टिल 24th of March। तो 24th of March से पहले पहले आप अगर एनरोल होंगे या उस दिन, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा हमारे 2022 के सारे ही कोर्सेज पे। भले आप जेई मेन ले, जेई मेन प्लस एडवांस ले या एडवांस ले, इसके अंदर आपको जितनी भी चीजें चाहिए फॉर योर जेई प्रिपरेशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कर लोगे तुम्हारा डेफिनेटली जेई मेन भी अच्छा जाएगा और एडवांस करके तुम आईआईटी मस्त तरीके से चले जाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं कि वो क्या बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहली हैक जो मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि फोकस ऑन द नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको लगेगा यार ये क्या बोल दिया बंदे ने, क्या बोल रहे हैं भाई, ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बात सुनो एक बार। तो मैंने देखा है कि यार कई लोग इस तरह की लिस्ट बना देते हैं, और मैंने भी कई बार बनाई हुई है कि आपको हमने लिस्ट बना दी कि इन चैप्टर से ज्यादा सवाल आते इनको करो। ठीक है, और वो बात सही भी है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसमें सबसे पहले चैप्टर कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशनल मोशन, कैलकुलस, इस तरह की चीज़ें होती है जिनको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इनको ही रिवाइज करिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है, अभी जेई मेन में बचा है बहुत कम टाइम, एक महीने के आसपास बचा, 40 दिन मान लो ज़्यादा, ऐसे में अगर आप इन बड़े बड़े चैप्टर्स के पीछे एकदम से भागोगे आप शायद इनको नहीं कर पाओगे। इससे काफ़ी बेटर है आप ऐसे चैप्टर्स के पीछे भागो जिनको करने में आधा दिन लगता है, एक दिन लगता है। कैसे चैप्टर्स? चैप्टर्स लाइक सरफेस टेंशन, चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर्स लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चैप्टर्स लाइक लेट्स से बायोमोलिक्यूल्स हो गए, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है, ये चैप्टर्स जो है इनको करने में आपको आधे से एक दिन भी नहीं लगता है, और अगर आप अगले 10-15 दिन इन चैप्टर्स पे बिताएंगे ये सारे चैप्टर्स आप कवर कर लेंगे, सारे चैप्टर्स आप कवर कर लेंगे। वेव ऑप्टिक्स जैसे हो गया, वेव ऑप्टिक्स में 2-3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर्स आप 1-1-1-1 डे के चैप्टर है। अब वर्सेस आप अगर रोटेशन पढ़ने बैठोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने बैठोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हफ्ता हफ्ता भर तक लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अगर आपने रोटेशन पहले पढ़ा हुआ, आपको रिवाइज करना तो आप ऑब्वियसली करें भाई, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो इस तरह के चैप्टर्स हैं ना जिन पे लोग नजर नहीं डालते यूजली, ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए ना इन पे कोई यूजली नोबडी बैट्स एन आई ऑन दिस, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनसे भी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ प्रिपरेशन होगी जो शायद बाकी बच्चे मिस आउट कर रहे हैं। राइट, तो ये एक चीज आप कर सकते हो कि फॉर नाउ यू कैन ऑल्सो प्रायोरिटाइज द नेक्स्ट 15 डेज, जिसमें आप लेट से 50% ऑफ योर टाइम यू डिवोट टू दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, ये एक चीज आप कर सकते हो। सेकंड एडवाइस जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि यार कई बच्चों का मैंने देखा है कि अगर वो चैप्टर कोई पढ़ के नहीं गए लेट से, तो उसको पूरा ही छोड़ देते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी जायज़ भी है क्योंकि एग्जाम आपका थोड़े दिन बाद ही है, तो जिन बच्चों का पहले से बहुत अच्छा तैयारी है उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जिनका तैयारी अच्छा नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स कवर करना इम्पॉसिबल हो, कितना भी आप कोशिश करो शायद आप नहीं कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप क्या करें, आप हर चैप्टर का एटलीस्ट एक ओवरव्यू देख के अवश्य जाएं। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया कि आपको उस चैप्टर की सारी हेडिंग्स पता है, उस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस हुआ है ये पता है, और उस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले या रिएक्शंस है वो आपको याद है। ठीक है, यानी कि आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ लें। फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए एकेडबूस्ट ऐप पर है, आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर ऐप का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करना, उसमें तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हें नोट्स का एक सेक्शन मिल जाएगा, उसमें जाना, उस कोर्स में एनरोल होना, फ्री है उसमें एनरोलमेंट, और तुम पढ़ने स्टार्ट कर देना उसको। ठीक है, तो ये तो सब करो ही करो यार, फ्री की चीज़ है, उसमें कोई हम पेमेंट नहीं मांग रहे तुमसे। तुम्हें अगर कुछ देना ही है तो ऐप को एक रेटिंग रिव्यू दे देना अच्छा सा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। उनको पढ़ना और उनको हर चैप्टर के लिए रट डालना, क्योंकि देखो कई बार क्या होगा, रोटेशन से सवाल आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल आ जाएगा, या ईएमआई से सवाल आएगा बहुत ही सिंपल आएगा। कई बार क्या, बच्चे टफ चैप्टर से भागते रहते हैं और उससे सवाल ईजी आ जाता है। अब एक सवाल भी आपका आसान जैसे आ गया कि आपको एक डिस्क दे रखी है, उसका मास और रेडियस दे रखा है, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगाया बता रखा है, आपको पूछा है कि भाई बताओ अल्फा, अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, तो ये आसान सवाल है। अब अगर आप बिल्कुल ही रोटेशन भूल भुला के बैठे हुए हो तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले भी याद कर रखे आप कर लोगे। और जेई में ऐसे सवाल आते ही आते हैं जो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे केवल फॉर्मूला भी याद करके जाएंगे तब भी आप कर लोगे, सारे सवाल नहीं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो ऐसे भी आते हैं, कुछ सवाल केमिस्ट्री में होते हैं जो प्योरली आपके रिएक्शन बेस्ड आते हैं कि बस सिंपल सी रिएक्शन ही पूछ ली बस, और कुछ भी नहीं आया उसके अंदर,
राइट। तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दें कि आपको अगर कोई चैप्टर कवर नहीं भी हो रहा है, आप एटलीस्ट उसके रिएक्शंस और फॉर्मूले याद करके जाएंगे। मुझे पता है सुनने में बड़ी बेसिक एडवाइस लगती है कि अरे यार ये तो मुझे पता था, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तब ये बच्चे यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं और यही चीजें नहीं करते हैं बच्चे, राइट। तो प्लीज डू दिस, ओके। तो थर्ड एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आपको बच्चों अगले जो 30-40 दिन है उसमें एटलीस्ट आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना, ठीक है। अब अगेन ये बच्चे सुन तो बहुत ज्यादा लेते हैं, मैं कम से कम जब से जेईई प्रिपरेशन शुरू हुई हो गया तुम्हारी 22 वाले बैच के, तो स्टार्टिंग से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं हर बार बोलता आया हूँ कि यार एनसीईआरटी पे ध्यान दो। लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11th प्लस 12th का एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक बार भी पूरा पढ़ा, मतलब आपने हर चैप्टर के ऊपर एक बार रीडिंग की हो? मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने किए या नहीं किए। आई एम श्योर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, और अगर नहीं किए तो ये भी बताना क्यों नहीं किए, क्या तुमने उसको इग्नोर किया, क्या तुम्हें टाइम नहीं मिला, व्हाट वाज द रीजन, ओके। आपको ट्राई करना है कि आने वाले जो 10-15 दिन है उसमें आप एक घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट जितना भी मिल पाए आप प्योरली एनसीईआरटी रीडिंग के लिए स्लॉट रख दो। स्टार्ट करो केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, फिर हम फिजिक्स के एनसीईआरटी रीड करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा मल्टीपल वेज में, बोर्ड एग्जाम्स में तो हेल्प आएगी ही आएगी, और मोर इंपॉर्टेंट देन दैट आपका जेईई मेन में भी स्कोर इंप्रूव होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई मेन इन रिसेंट ईयर्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब लाइन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया पेपर में। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्वेश्चन तुम मिस करोगे, तुम अपनी कोचिंग की शीटें करने में बिजी हो, एडवांस के सवाल करने में, और ये सवाल तुम कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि तुमने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी। कितनी बड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी ये। तो आप प्लीज एनसीईआरटी रीड करेंगे डेली, एक घंटा फिक्स कर लेना, आपको देखना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने प्रिपरेशन में मिलेगा। और जो फोर्थ टिप एंड फाइनल टिप मैं आप सभी को दूंगा वो ये रहेगी गाइस कि आप पिछले 10 साल के मिनिमम जेईई के जितने भी पेपर्स आए हैं, जेईई मेन के सवाल 2013 से लेके 2021 बैच की सारी शिफ्ट, सारे पेपर धड़ले से लगा दो एक बार, इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी होगी। और जेईई मेन में कभी कभी सवाल रिपीट या सिमिलर भी आते हैं, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है जाननी। जेईई एडवांस में ऐसा कम होता है यूजुअली, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे याद है मेरे बैच के पेपर में भी 2017 में कई सवाल ऐसे थे, कहीं तो नहीं, कुछ सवाल थे जो काफ़ी सिमिलर थे प्रीवियस ईयर के पेपर से। इससे होता क्या है, इससे एक तो सवाल भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बनता है, और तुरंत सवाल होता है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसे करूँगा, आपको पहले से किया हुआ है आपने। तो ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा लगाते हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो चारों बातें मैंने बताई है ना आपको, कि आपको सबसे पहले मैंने आपको बोला कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे भी थोड़ा ध्यान दे दो, फिर मैंने आपको ये बोला केमिस्ट्री सॉरी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, फिर मैंने आपको ये बोला प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स आप लगा लीजिए, और फिर मैंने आपको ये बोला कि सारे फॉर्मूले और रिएक्शन एक बार देख के ही चले जाओ यार, कोई बात नहीं थ्योरी नहीं पढ़ी चलेगा, लेकिन देख के ही चले जाओ। अगर आपने सारी चीज़ें कर ली ना, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके हर टिप में एक्स्ट्रा बनेंगे, लगभग आप 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आ जाओगे जस्ट बाय फॉलोइंग दीज थिंग्स, जिसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। 30-40 नंबर तुम्हारे मिनिमम इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये जब तुम्हारा जेईई का पेपर हो जाए इस वीडियो को अप्लाई करके देखना कि कितनी चीज़ें एनसीईआरटी से आई थी, कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सिमिलर थे, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे कि आपने जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर उनसे आए थे, देखना तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको नोट डाउन करो, फटाफट से फॉलो करो। और अगर आपको अपने जेईई प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, आपका बहुत सारा सिलेबस छूटा हुआ है, तो तुरंत भागो डिस्क्रिप्शन में, ऐप पर नोट्स तो लो ही लो, और हमारे जेईई मेन के 2022 के जो क्रैश कोर्सेस है उनमें एनरोल हो जाओ। अभी हमारा जो जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स है वो अभी बहुत तेजी से सेल आउट हो रहा है, कई सारे बच्चे उसमें एनरोल हो रहे हैं, और हम आपके लिए लॉन्च डिस्काउंट लाए थे, उसके बाद भी कई बच्चे ले रहे हैं। तो नाउ यू हैव अ चांस टू अवेल द कोर्स एट अ वेरी वेरी लो रेट, तो फटाफट से जाइए उसके अंदर एनरोल होइए, क्योंकि अब आपके पास समय भी कम बचा है और आपके पास ये डिस्काउंट भी अवेलेबल है। बोथ सिचुएशंस आर इन योर फेवर फॉर दिस कोर्स राइट नाउ, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वो है फटाफट से सिलेबस को कवर करना, जो आपको इस कोर्स से बढ़िया कोई नहीं करा सकता है। आपके हम बैकलॉग्स भी क्लियर करा देंगे, आपके जो चैप्टर्स आपको रिवाइज करने पुराने वो भी हो जाएंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज भी हो जाएगी, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई और किताब में करने को नहीं बोलूंगा, कोई भी आपको मैं और कोचिंग कुछ करने की जरूरत नहीं। इस कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, तुम्हारा जेई डेफिनेटली निकलेगा, जेई मेन में 200+ 250+ आराम से लाओगे, और IIT में भी सीट बुक कर लोगे अगर इसको कंप्लीट किया तो, ओके। तो फटाफट से जाइए, आप इसमें आज ही एनरोल होइए, 24th मार्च या उससे पहले एनरोल होना है, लेकिन व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस गेट इन इट राइट नाउ एंड स्टार्ट स्टडिंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ओके। मैं चाहता हूँ यार आप सभी लोग बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो, अब जाओ पढ़ने यार, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है। नोट्स वगैरह जो भी चाहिए उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्सेज वगैरह सबके। गुड लक है ना, बाय।